Topic of discussion that what are the requirement of fulfilling the basic aspiration. For the basic aspiration, we need the right understanding. In right understanding means that we have to understand the human skills. We need to learn or utilization our intelligence. For the basic requirement of the fulfillment of aspiration of human beings, we need relationships, right understanding, and the physical feasibilities. So let's discuss these three. First is the right understanding. Right understanding refers to higher order human skills that need to learn and to utilize our intelligence. Good relationships, that refers to interpersonal relationship that a person build in his life at home, at the workplace. And the physical facilities, that includes the physiological needs of individual and indicates the necessity as well the comforts of life. So basically क्या है right understanding में हम क्या करते हैं, हम learn करते हैं intelligence और अपनी intelligence को जब हम use करते हैं तब उनको right understanding, मतलब जब हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं उसको हम right understanding कहते हैं. गुड रिलेशनशिप क्या है, जब हम अपने घर में, हम अपने वर्क प्लेस में, सोसाइटी में अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं. फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या हैं, जिसमें हमारी सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स आती हैं, हमारी नेसेसिटी आती है, हमारे कंफर्ट्स लाइफ आती हैं. तो वी कैन से दीज रिक्वायरमेंट आर पैटर्नड ऑन द दैट जो मास्लो का हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी है, इसमें वो अप्लाई होती है. अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर फाइव नीड्स. कौन कौन सी नीड्स हैं विच कैन बी प्लेस्ड ऑन द हायरार्की डिपेंडिंग अपॉन विच नीड्स अ पर्सन इनिशियली सर्विसेज टू फुलफिल. द लोअर नीड्स अ फिजिकल एजुकेशन नीड्स विच आर फुलफिल्ड, दे आर फॉलोड बाय सेफ्टी सिक्योरिटी सोशल नीड्स नेक्स्ट नेवर रिलाइज टू पर्सन नीड फॉर सेल्फ स्टीम. सो बेसिकली क्या है, देखो मास्लो की नीड थ्योरी को हम फॉलो करते हैं. मास्लो एक ऐसा पर्सन है जिसने नीड बेस्ड रिसर्च की है. वो क्या कहता है कि पहली जो हमारी जो नीड्स हैं, हमारी ज़रूरतें क्या, हमारी कंफर्ट की लाइफ, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर क्लोथ. उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारी सेफ्टी नीड्स पे, सिक्योरिटी नीड्स पे. जब हमारी वो पूरी हो जाती है, हम अपनी सोशल नीड्स पे आ जाते हैं. जब हमारी वो पूरी हो जाती है, हम अपनी सेल्फ इस्टीम पे आ जाते हैं. तो ये एक ह्यूमन का टेस्ट बता रहे हैं कि जब उसकी एक नीड पूरी हो जाती है तो वो अपनी दूसरी नीड की ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है. नेक्स्ट है हाउ फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी बट नॉट कम्प्लीट फॉर ह्यूमन बींग. इसमें वी विल हम जो इसमें क्या डिस्कस करेंगे, एनिमल कॉन्शियनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियनेस. गिविंग ऑल प्रायोरिटी टू फिजिकल फैसिलिटी ओनली मे बी टर्म्स एज एनिमल कॉन्शियनेस. फॉर एनिमल फिजिकल फैसिलिटी इज़ नेसेसरी एज वेल एज कम्प्लीट, वेयर एज फॉर ह्यूमन बींग इट इज़ नेसेसरी बट नॉट कम्प्लीट. एनिमल के लिए फिजिकल फैसिलिटीज़, जो हमने फिजिकल क्या पढ़ी है, फिजिकल फैसिलिटीज़ में क्या है, कम्फर्ट, वो बहुत ज़रूरी है और उसकी उसको मिल भी जाता है. लेकिन ह्यूमन बींग के लिए ज़रूरी है लेकिन उसको मिलता नहीं है. एनिमल जो हैं वो सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज़ के लिए जीते हैं, बट जो ह्यूमन बींग्स हैं वो राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी, उन्हें सभी सबका कॉम्बिनेशन चाहिए. देन देयर इज़ नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल कॉन्शियनेस टू ह्यूमन कॉन्शियनेस. इट कैन बी कम्प्लीट ओनली बाय वर्किंग टू राइट अंडरस्टैंडिंग एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी. तो वो क्या कह रहे हैं कि एनिमल कॉन्शियनेस को ह्यूमन कॉन्शियनेस में शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है. तो बेसिकली हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि जो एनिमल है वो उनकी जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिफरेंट है, लेकिन जो ह्यूमन है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट है. अब ये देखो इसमें उन्होंने बताया है किस तरह से जो एनिमल कॉन्शियनेस को हम ह्यूमन कॉन्शियनेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ये देखो ये जो सर्कल में है ये क्या है, हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप विद ह्यूमन फिजिकल फैसिलिटी. ये ह्यूमन के लिए, ह्यूमन ऐसे सेटिस्फाई होता है. अब जो हम साइड में देखते हैं फिजिकल फैसिलिटीज़, फॉर ह्यूमन नेसेसरी बट नॉट कम्प्लीट, फॉर एनिमल नेसेसरी बट एंड कम्प्लीट. टू लिव सोली ऑन दिस बेसिस इज कॉल्ड ह्यूमन कॉन्शियनेस. ट्रांसफॉर्मेशन टू लिव विद ऑल थ्री इज कॉल्ड द ह्यूमन कॉन्शियन. देयर इज वेयर वी वॉन्ट टू बी. सो वो ये क्या कह रहे हैं कि जब हम सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी में जीते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, एनिमल कॉन्शियनेस, कि एनिमल जैसे हम कॉन्शियस, ऐसे कि हमें सिर्फ कंफर्ट चाहिए. लेकिन जब हम इन तीनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग को, रिलेशनशिप को, फिजिकल फैसिलिटी में, इसका मतलब हम ह्यूमन कॉन्शियनेस में जीते हैं.
अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग, फिजिकल फैसिलिटीज़ फॉर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग एंड नेसेसरी फॉर एनिमल, फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी एंड कम्प्लीट फॉर एनिमल वैन दे आर नेसेसरी बट नॉट कम्प्लीट फॉर ह्यूमन। तो वो क्या कह रहे हैं, कुछ जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है जैसे हमें घर कपड़ा मकान चाहिए, एनिमल्स को चाहिए और उनको मिल भी जाते हैं आराम से, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें चाहिए लेकिन उन्हें आराम से नहीं मिलते क्योंकि उनको इनके लिए बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है। देन है फॉर एनिमल्स, एनिमल्स नीड फिजिकल थिंग टू सर्वाइव, मेनली टू टेक केयर ऑफ देयर बॉडी, उनको सिर्फ अपने टेक केयर बॉडी के लिए चाहिए। फॉर ह्यूमन, फिजिकल फैसिलिटीज आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन, दे आर नॉट कम्प्लीट बट देमसेल्फ टू फुलफिल आर नीड्स, अवर नीड्स आर मोर देन जस्ट फिजिकल फैसिलिटीज़। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है फिजिकल के लिए। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप पे। बाय रिलेशनशिप वी मीन द रिलेशनशिप विच वी हैव अदर और ह्यूमन बींग, फादर से, मदर से, ब्रदर से, सिस्टर से, फ्रेंड से, टीचर से, जिनके साथ भी हमारा रिलेशनशिप होता है उसको हम गुड रिलेशनशिप, जिसके साथ हमारी यू नो अच्छी बॉन्डिंग होती है उसे हम ऐसे गुड रिलेशनशिप कहते हैं। इन रिलेशनशिप वी वांट, हम रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, अब म्यूचुअल फुलफिलमेंट। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप वी फील अनईजी, इट बॉदर इज, इवन इफ वी आर इंटरेक्टिंग विद समवन एंड समथिंग वी सेड और डिड ऑफ्टन देम, इट मेक अस अनईजी, वी वांट म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप। म्यूचुअल फुलफिलमेंट क्या है कि जैसे जिस दोनों जगह पे यहाँ पे यस हो, कि अगर आप एक चीज़ करना चाहते हो फ्रंट वाला चीज़ भी वही करने के लिए मान जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज़ पे म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं है तो हम क्या हो जाते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा अनईजी हो जाते हैं, हमें उस रिलेशनशिप जो है कि हमें अच्छा नहीं लगता। अब रिलेशनशिप में हम क्या चाहते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट। और फिजिकल फैसिलिटीज़ में क्या चाहते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ में हम पॉरस्पेट्री एंड इनरिचमेंट चाहते हैं। पॉरस्पेट्री मीन्स फीलिंग ऑफ हैविंग और बीइंग एबल टू हैव मोर फिजिकल फैसिलिटी देन इट्स नीडेड। इफ वी डोंट हैव फीलिंग ऑफ पॉरस्पेट्री वी विल बी एक्सप्लोर्ड अदर। सिमिलरली वी इंट्रैक्ट विद नेचर फॉर वेरियस फिजिकल नीड, ईदर एक्सप्लोर नेचर इनरिच बट आवर नेचर एक्सेप्टेंस, वी वॉन्ट टू लिव इन हारमोनी विद द नेचर। तो फिजिकल फैसिलिटी में हम पॉरस्पेक्ट्री चाहते हैं, मतलब हम पता क्या चाहते हैं, हमें जो चाहिए चीज़ कि ज़रूरत है हमें हमारे पास उससे ज़्यादा हो, तभी हम जो कि है रिच फील करते हैं। आप एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि रिलेशनशिप विद ह्यूमन में हम क्या चाहते हैं, वांट म्यूचुअल फुलफिलमेंट। ठीक है, फिजिकल फैसिलिटी में क्या चाहते हैं, ह्यूमंस क्या चाहते हैं, पॉरस्पेक्ट्री ऑन इनरिचमेंट, हम कुछ ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन एनिमल सिर्फ एक कम्फर्ट लाइफ चाहते हैं, वो उन्हें आराम से मिल जाती है। देन वट इज़ आवर स्टेट टूडे इन ह्यूमन एस्पिरेशन। अब आज के टाइम की ह्यूमन एस्पिरेशन बताइए कि इन रिलेशनशिप में हम क्या चाहते हैं, वी आर अनेबल टू फुलफिलिंग रिलेशनशिप ऑल द टाइम इन फैमिली, आउटसाइड फैमिली एंड सोसाइटी इन द वर्ल्ड एट लार्ज। कि आज के टाइम में जो रिलेशनशिप है बहुत बड़ा वाइड हो गया है। और फिजिकल फैसिलिटी में क्या है, वी वॉन्ट टू फील पॉरस्पेक्ट्री बट एंड अप वर्किंग ओनली फॉर एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, वी वॉन्ट इन रिच नेचर बट आर एक्सप्लोरिंग एंड डिस्ट्रॉयड। फिजिकल फैसिलिटी में हम क्या चाहते हैं, नेचर से चीज़ें चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, लेकिन हम कर क्या रहे हैं रिटर्न में, आज के टाइम पे हम रिटर्न में नेचर को ही ख़राब कर रहे हैं, नेचर से कुछ लेने के लिए नेचर को ही ख़राब कर रहे हैं। अब है वाई वी इन द स्टेट लिविंग विद द रॉन्ग परसेप्शन, हम रॉन्ग परसेप्शन में क्यों रह रहे हैं। रिलेशनशिप में हम क्या चाहते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट। फिजिकल फैसिलिटी में क्या चाहते हैं, हम जो नेसेसिटी चीज़ें चाहती हैं वो हमें मिलती नहीं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, पॉरस्पेक्ट्रिक इन रिच नेचर। और एनिमल्स क्या चाहते हैं, नेसेसरी चीज़ें और उनको मिल भी जाती हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी कि हमें रिलेशनशिप होते हैं हमारे पास फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं, जो एनिमल्स हैं उनको सिर्फ फिज़िकल फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं और उन्हें मिल भी जाती हैं। लेकिन हम रिलेशनशिप में अनहैप्पी क्यों रहते हैं, क्योंकि हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट चाहते हैं। फिजिकल फैसिलिटीज़ में हम हैप्पी क्यों रहते हैं, क्योंकि हम चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन हम उसको पॉरस्पेक्टिव रिच चाहते हैं, कि ज़रूरत से ज़्यादा हम उसको चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है उसमें, रिलेशनशिप में हैविंग प्रॉब्लम मल्टीपल लेवल लीडिंग टू अनहैप्पीनेस, कि हमारा रिलेशनशिप बहुत जानों के साथ होता है, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, बहुत पर्सन इन्वॉल्व है, और किसी एक के साथ जब हमारा यू नो गुड कनेक्शन नहीं होता तो हम अनहैप्पी हो जाते हैं। और फिजिकल फैसिलिटीज़ में क्या होता है, हाउ वी आर टूडे हैविंग अ फीलिंग ऑफ डिप्रिवेशन आर इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेचर, कि हम नेचर से चीज़ें चाहते हैं और नेचर को ही डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, तो इन दोनों में हमें प्रॉब्लम आती है।
वॉट इज़ द आउटकम ऑफ मिसकंसेप्शन. अब जब हम ये चीज़ें करते हैं, मिसकंसेप्शन कर देते हैं, मीन्स जब हम रिलेशनशिप में अच्छा नहीं चल रहे, हम फिजिकल फैसिलिटी हमें अच्छा नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल क्या करता है, उसे प्रॉब्लम्स आती है, उसको डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी होती है, सुसाइड, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. फैमिली लेवल में क्या होता है, जब आप जॉइंट फैमिली में रहती हो तो ब्रेक हो जाती है जॉइंट फैमिली, आपको मिसट्रस्ट हो जाता है एक दूसरे से, जनरेशन गैप, डॉरी डेथ्स, ठीक है, ओल्डर पीपल को आप निगलेक्ट करते हो, डिवोर्स, रिलेशनशिप, ये प्रॉब्लम आती है. सोसाइटी लेवल पे क्या होता है, वायलेंस, कम्युनिकेशन, यू नो, क्राइम्स बढ़ते हैं, वॉर्स होती हैं, और नेचर के आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वेदर इम्बैलेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं. सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है. In order to resolve the issue in human relationship, we need to understand them first, and these would come from right understanding of relationship. Similarly, in order to enrich nature, we need to have the right understanding. Right understanding will enable us to work our requirement for physical facilities correctly, distinguish the difference between wealth and prosperity with nature as well. We need to understand the harmony in nature. तो वो क्या कहते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हो कि आप फिजिकल फैसिलिटी से सेटिस्फाई हो सको, आप चाहते हो कि जो रिलेशनशिप में राइट अंडरस्टैंडिंग हो, राइट हो सब कुछ, तो सबके लिए हमने सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने क्या स्टार्ट किया था कि ह्यूमन एस्पिरेशन के लिए तीन चीज़ें हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल फैसिलिटीज, रिलेशनशिप. लेकिन जो रिलेशनशिप है और जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ है, हम इन दोनों में कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, जब हमें राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, हम चीज़ों को राइट अंडरस्टैंड करेंगे, हम ह्यूमन बींग्स को राइट अंडरस्टैंड करेंगे और हम नेचर को राइट अंडरस्टैंड करेंगे. क्योंकि जब हम ह्यूमन बींग्स अपने आप को राइट अंडरस्टैंड करेंगे, तब हमारी आपस में क्या होगी, गुड रिलेशनशिप होगी. अगर हम यू नो गुड अंडरस्टैंडिंग नेचर के साथ रखेंगे तो हमारा क्या होगा, अच्छी फिजिकल यू नो फुलफिलमेंट होगी. सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द ह्यूमन एस्पिरेशन.